बीती देर रात मोगा के जिला बाल विकास सोसाइटी की ओर से मोगा अमृतसर रोड से मिले दो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से 5 साल तक की बताई जाती है के पिता को ढूंढकर उनके हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दो छोटे छोटे बच्चे शाम को 4 बजे मोगा अमृतसर रोड पर सड़क के किनारे संदीप सिंह को मिले, जिन्हें वे थाना सिटी 1 में ले गए और थाना सिटी वालों ने उन बच्चों को जिला बाल विकास भलाई अधिकारी के हवाले कर दिया। अधिकारियों ने दोनों बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और जब बच्चों के पिता के पास वे फोटो पहुंची तो वे उन्हें लेने के लिए रात को मोगा आगे, वहीं बाल विकास भलाई अधिकारियों की ओर से पूरी छानबीन करने के बाद बच्चों को उसके हवाले कर दिया गया। मोगा से जाट टीवी न्यूज के लिए जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आउटरीच वर्कर ने सिटी वन भेजा और मैंने जो पता लगे कि बच्चे बहुत ही छोटे ने तो इन्हों की प्रोटेक्शन मस्ट है और फिर मैं जो व्हाट्सएप से इस तरह फोटो अपलोड हुई सेंड की एक दूसरे का पता लग गया कि इन्हों के जोड़े है पेरेंट्स जोड़े आ सिटी वन चो मैं थोड़ी इनफोरमेन मिल गई कि पेरेंट्स मिल गए ने फादर मिल गए ने और फादर आ रहे हैं। फिर उन्होंने दसाया गया कि सब तो पहला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अगर पेश किया जाएगा, दैन असी ऑफिस आए हैं इस टाइम ताकि बच्चों पूरी इंक्वायरी करके उन्होंने पेरेंट्स के हवाले किया जाए। लिया के उन्होंने इतने दे दते तो उन्होंने सू फोटो भेजी मेरे पिंड से उतना पता लग गया जी ਸਰਬਜੀਤ कुछ पता लगे कि इन्होंने बच्चे से किमें उ हाँ जी इन्होंने माँ प्यो मिल गया वा वो आ रहे आ गया तो उन्होंने फड़ा दते कदों से गुम हो बच्चे यही 4-5 बजे की गल आई है।